नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। मुँ आप प्रिय यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल लाइफ चैनल को आपण मैं स्वागत जनाऊ। आज आम एक महत्वपूर्ण तथ्य जानवा ताकि आम जीवन को आम निजे केमी चिन्हवा आम को आम निजे केमी चिन्हवा यह प्रत्येक व्यक्ति जाना आवश्यक प्रत्येक व्यक्ति यह करवा आवश्यक। प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति निजर जीवन को ठीक भाव गढ़ी तोलिया चेष्टा करिया दरकार। प्रत्येक दिन सूर्योदय सूर्यास्त पर्यंत समय मध्य आम निज जीवन गतिपथ को लक्ष्य करा दरकार। भगवान समस्त को 24 घंटा समय दे 24 घंटा समय मध्य व्यक्ति कुसंग पड़ुंट व्यक्ति सत्संग रुचि किसी व्यक्ति अति उच्चतम उन्नतिर सोपान को निजक उन्नत करसबू कहीं हुए एसबूर कारण हूँ जड़े व्यक्ति तार दैनदिन जीवन को एक सुंदर समयानुवर्तित एक सुंदर नियमानुवर्तित बशवर्ती कर रखी। प्रत्येक व्यक्ति निजर दिनचर्या को यही भाव या उचित जहाद्वारा कि क्रांति लगे सब कार्य ठीक ठीक भाव हो निजर समय उचित मूल्य उठ समय उचित मूल्य एवं जीवन रे केवल वास्तव उन्नति को परिलक्षित हो आवश्यक एक सुंदर दिनचर्या जहाँ को प्रत्येक व्यक्ति प्रस्तुत करा उचित। सका जेतेबेले दिनर आरंभ होउछि सेही समय निजर समस्त कर्तव्य कर्म को एक सुंदर ढंग से करिबा उचित जहाद्वारा कि प्रति मुहूर्त निजर काम करिया पाई कर्म करिया पाई अधिकारु अधिक आग्रह बा उत्साह सृष्टि हो। तेणु सकाळ दिनचर्या को सुंदर भाव आरंभ करिया उचित। मध्याह्न समय दिनचर्या को सुंदर भाव आरंभ करिया उचित। राति समय मध्य दिनचर्या सुंदर भाव आरंभ करा उचित। प्रत्येक कार्य को करने समय अंत 10 थर चिंता करा उचित। मुझे काम करा जाऊँगी से काम मोर लाभ हम कि क्षति हम ताद्वारा कार किसी क्षति हेन तो कार कि मानसिक प्रभाव पड़बन तो समाज किसी क्षति हेन तो समाज किसी विशृंखला सृष्टि हेन तो यह सब विषय अंत 10 थर चिंता करा उचित। एवं परवर्ती मुहूर्त अति सावधानता सहित सुंदर भाव से काम करा उचित। आमर मन जमी हम आम कर्म सेमती हम प्रति मुहूर्त आम आमर मनर गतिविधि को अति जत्न सहित लक्ष्य करा उचित। मन आमको सदा सर्वदा कम्फर्ट जोन में रखा चेष्टा कै आलस्य चेष्टा कराए किंतु आमको सदा सर्वदा निजक आलस्यतार दूरे रखा उचित। आलस्य एक एमती एक जिनस जहाँ आरंभ आसे एक बुढ़ियाणी बसा पड़े परवर्त मुहूर्त लुहार सिकुड़ी हो जाए लुहार झंझीर हो जाए तेणु आलस्य बशवर्ती न हो सुंदर भाव आग्रह सहित प्रत्येक कर्म को करवा उचित। समस्त सहित उत्तम व्यवहार उत्तम बुझाणा रखा उचित। समाज में एक शांति मैत्री वातावरण सृष्टि करा उचित। एवं निजर कर्ममय जीवन शेष जेतेबेले संध्या आसी आगत पूरा ठीक समय भोजन करवा उचित। एवं निजर पर समस्त कथा भल भाव बुझी तहार केवल स्थायी प्रतिकार हो पार समाधान हो पार से विषय एक सुंदर योजना प्रस्तुत करा उचित। एवं पर समस्त सदस्य मनरे सुंदर सुसंपर्क किपर गठन कर से विषय सदा सर्वदा जत्नवान होगा उचित। एवं जेतेबेले आम रात्रि विश्राम करा जाऊे से तो से समय आत्मानुशीलन होगा उचित। आत्मानुशीलन कौन सका संध्या पर्यन व रात्रि पर्यटन मुझे कि कम करम को मुझ ठीक भाव करा द्वारा मोर बास्तव कि लाभ हम समाज कि लाभ हम कि समाज कि क्षति हम ना मुझ वास्तव समाज ठीक उन्नति करी कि मोर जहाँ भी लक्ष्य था कहीं से लक्ष्य मुझे पहुँची पारि कि
ଏବଂ ମୁଁ ଆଜି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କାୟା ମନ ବାକ୍ୟରେ କାହାକୁ କିଛି କଷ୍ଟ ଦେଇନି ତ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ମୈତ୍ରୀର ବ୍ୟବହାର କରିଛି ତ, ଏସବୁ କଥା ଏସବୁ ଆକୁ କୁହାଯାଏ ଆତ୍ମାନୁଶୀଳନ। ଜଣେ ଆତ୍ମାନୁଶୀଳନ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିନକୁ ଦିନ ନିଜକୁ ଶୁଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତ ଏବଂ ପରିମାର୍ଜିତ କରିପାରେ ଏବଂ ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସୁଖମୟ କରିପାରେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ନିଦ୍ରା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ତତ 15 ମିନିଟ୍ ନିଜକୁ ଆତ୍ମାନୁଶୀଳନ କରିବା ଦରକାର, ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଦରକାର, ମୋର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଉଚିତ ନା ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି। ଯଦି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି ତାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାସ୍ତବ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିପାରିବି ତ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ତ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ କଲ୍ୟାଣ ହୋଇପାରିବ ତ, ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ପରୋପକାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ନା ମୁଁ ଖାଲି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏସବୁ ହେଉଛି ଆତ୍ମାନୁଶୀଳନ, ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ମାନବର ମନୁଷ୍ୟର ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ। ଜଣେ ପ୍ରତିଦିନ ଆତ୍ମାନୁଶୀଳନ କଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ମହାନ ହୋଇ ଉଠିବ, ଏତିକି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଯଦି ଏ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଓ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ପୁଣି ଆସୁଛି ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ।